हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लेंस एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करी थी, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक, आज जो हमने पढ़ना है, हम उस कॉनकेव या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन कैसे होता है मतलब हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक, ये डेरिवेशन है, जनरली एग्जाम में पूछते हैं। सपोज मैं भी यहां से कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेके चल रहा हूं, जिसका कि कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर मीडियम है। दिस इज सपोज रेयरर मीडियम एंड दिस इज माय डेंसर मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू टू। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके चल रहा हूँ, विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। ठीक, ये करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एजम्पशंस की बात करी थी, कुछ एजम्पशन की बात करी थी कि जब भी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसमें कुछ एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस क्या लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, और जो ये अपर्चर है इसका अपर्चर स्मॉल लेते हैं। ठीक है ना, डायमीटर जो इसका है स्मॉल लेते हैं। स्मॉल मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे स्मॉल अपर्चर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर इससे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा मैटर नहीं करता, जो ये है वही ये होगा। ठीक, अपर्चर क्या लेते हैं, हम स्मॉल लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है वो क्या बना रहा है, स्मॉल एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ फॉर द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एजम्पशंस की बात करी है। ठीक है, तो सबसे पहले एजम्पशन लिखना है। अब बेटा इसके जो केस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात करूं तो इसके चार केस बनते हैं। चार केस बनने के लिए सपोज मेरे पास ये, यहां मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ इमेज की बात करूं, ठीक है, और यहां मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड सपोज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फोर केस बनते हैं। फोर केस मतलब जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट मेरा रेयरर मीडियम में हो, इमेज डेंसर मीडियम में बने और रियल इमेज बने। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में हो, इमेज डेंसर में बने और रियल बने, जो हम फर्स्ट केस में आपको कराऊंगा। ठीक है, और क्या केस बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में ही हो, इमेज डेंसर में बने और वर्चुअल बने। ठीक है, वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल इमेज। तो ये मेरे पास दो केस हो गए, एक ऑब्जेक्ट रेयरर में एक बार, और एक बार इमेज डेंसर में। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इतना याद रखिए ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन के लिए, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दो और यहाँ इमेज फॉर्मेशन, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज फॉर्मेशन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, जब ऑब्जेक्ट रेयर में है, एक बार इमेज रियल बनी है और एक बार वर्चुअल बन रही है। ठीक है ना, तो दो केस तो ये हो गए। थर्ड केस होगा जब ऑब्जेक्ट मेरा डेंसर में है और इमेज रियल बन रही है, और जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर में और इमेज वर्चुअल बन रही है। तो ये फोर केसेस हैं, फोर डेरिवेशंस हैं, ऑल आर सिमिलर। मैं आपको फर्स्ट केस बता रहा हूं, बाकी के आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लर्न करना है वो भी बता दूंगा, उसकी डेरिवेशन आप करके देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेयरर मीडियम में है और इमेज फॉर्म कैसी है, रियल। So when object is in rarer medium and image formed is real, बहुत easy और बहुत interesting derivation है, बहुत easy है, इसको देखते हैं। ठीक है ना, अब जब object rarer में है और image real बन रही है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रेयरर मीडियम सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ऑब्जेक्ट कैसा लेना है assumption में, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल रे गई, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी आप स्केल से बनाओगे तो, ठीक। ऑब्जेक्ट याद रखना है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब इसमें कोई भी केस कर लो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, यहां मेरे पास नॉर्मल है, इस सरफेस के नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है बेटा ये इसके साथ हमेशा गामा एंगल बनाती है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है इस सरफेस के साथ गामा एंगल बनाती है, ठीक। अब रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, यहां जाके क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, और सपोज यहां पर मेरी इमेज बनी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बनी, ठीक। ये जो इमेज है ये इसके साथ कैसा बीटा एंगल बना रही है, अल्फा विद ऑब्जेक्ट, बीटा विद इमेज एंड गामा विद द नॉर्मल। बहुत सिंपल, हर केस में आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई, ये रिफ्रैक्शन समझ आ गया, ठीक है। मेरे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस पे हमने रिफ्रैक्शन किया। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, हमेशा याद रखना है, बच्चे गलती करते हैं यहां बनाते हैं, नॉर्मल के साथ हमेशा हम एंगल देखते हैं, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल होगा, एंड दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको पता है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी चीज समझ आ गई। ये सपोज ये कुछ ओ, मैं यहां पर इसको ओ ले लेता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे मैं बेटा यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल ड्रॉ करी मैंने, यहाँ नॉर्मल एन, यहाँ एम लिख लो, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, ये क्या होगा मेरा पोल है, पी पॉइंट है, ठीक है ना। और ये कहाँ से पास होती है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक। तो आप देखोगे ये क्या है, नॉर्मल डाला मैंने एन एम किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ड्रॉ नॉर्मल एन एम टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ नॉर्मल डाला मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। जो मैं बता रहा था एजम्पशन कौन सी, एक तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक ये एंगल बहुत स्मॉल है अल्फा बीटा, जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ एंगल है वो क्या है बहुत स्मॉल है, और थर्ड एजम्पशन क्या है, इसका एपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, मतलब पी और एम पॉइंट में ज्यादा मैटर नहीं करता, बहुत पास है, इसलिए हम सेम भी ले सकते हैं कि एम सी को मैं पी सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी के लिए हमने डेरिवेशन के लिए पहले से एजम्पशन की, ठीक। तो ये डायग्राम सबको समझ आ गया। अब ये फोर केसेस में आप ऐसे कैसे डायग्राम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है, ये एरो कहाँ से कहाँ लाइन जा रही है, ठीक है, ये एरो। और ये क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करती है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डेरिवेशन स्टार्ट करना है। सपोज मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं एन ओ सी, एन ओ सी, सो एन ट्राइंगल एन ओ सी, आपको एक पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, पढ़ा है, सबने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आई, आई क्या है एक्सटीरियर एंगल एन ओ सी, और इंटीरियर एंगल कौन से है, अल्फा और गामा। सो इन ट्राइंगल एन ओ सी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो एंगल आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इन ट्राइंगल एन ओ सी एंगल आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। यहां सपोज ये ऑब्जेक्ट है ओ, और यहां पर कुछ इमेज बन रही है आई, यहां कुछ इमेज बन रही है, ठीक। तो सेकंड क्या होगा, इन ट्राइंगल एन आई सी, सेकंड ट्राइंगल लेना है इमेज वाला, इन ट्राइंगल एन आई सी, एक ऑब्जेक्ट का एंगल एन ओ सी, एक इमेज का एन आई सी। इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या है गामा, सो गामा इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल आर प्लस बीटा, बहुत इजी, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सबने पढ़ा। तो ये दोनों चीज समझ आ गई, एक्सटीरियर एंगल आई इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल आई सॉरी गामा इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, समझ आ गया। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालू तो आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आर की वैल्यू आएगी गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। गामा ये आर है, आर की वैल्यू क्या आएगी गामा माइनस बीटा, क्लियर। ये दोनों चीज समझ आ गई। अब हमने क्या करने हैं,
अल्फा बीटा गामा ये है जो इसकी वैल्यू पुट करनी है। मैंने एक अजम्पशन आपको बताई थी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सेकेंड अजम्पशन क्या बताई थी कि ये स्मॉल एंगल बनाते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो क्या बनाते हैं स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। सो अल्फा इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो एन ओ एम, अगर मैं एन ओ एम ट्राइंगल हूं इन ट्राइंगल एन ओ एम, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा स्मॉल एंगल है तो टेन अल्फा क्या होगा अल्फा के इक्वल होगा, सबको पता है एंगल स्मॉल एजम्पशन है। ये किसके इक्वल होगा टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन ओ एम, दिस एन एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एम, क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं एन एम अपॉन ओ एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ओ पी भी लिख सकता हूं, क्यों, थर्ड एजम्पशन कि एपर्चर क्या है बहुत स्मॉल होगा, ये ओ एम की जगह मैं ओ पी भी लिख सकता हूं। ध्यान से समझना बेटा, एक केस समझ आ जाएगा कोई भी केस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एन एम इक्वल टू ओ पी इतना कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल एन एम आई या एन आई एम, एक बार ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल एक बार इमेज वाला, बीटा अगर मैं बीटा एंगल फाइंड आउट करूं, ये बीटा तो क्या होगा टैन बीटा, टैन बीटा स्मॉल एंगल है वेरी नियरली इक्वल टू बीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा सेम एन एम डिवाइड बाय एम आई, एम आई ये होगा ना। और इसको भी अब आपको पता लग गया होगा क्या लिखेंगे, एम आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पी आई, क्लियर, ठीक है। तो हमने अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही गामा, ये वाला ट्राइंगल हूं मैं, ये छोटे वाला ट्राइंगल एन सी एम, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एन सी एम और ये ट्राइंगल एन ओ एम, ये एन आई एम, एन सी एम में क्या होगा इन ट्राइंगल एन सी एम गामा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना होगा गामा इक्वल टू टेंजेंट गामा, बिकॉज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, वी टेक अजम्पशन की एंगल बहुत सॉरी ये ऑब्जेक्ट और इमेज या नॉर्मल क्या है बहुत स्मॉल एंगल बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट गामा की वैल्यू क्या होगी दिस एन एम डिवाइड बाय एम सी, दिस एन एम डिवाइड बाय एम सी, ठीक है ना। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन एम बाय पी सी लिख सकता हूँ, तीनों क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर है सबको। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाली मुझे टेंजेंट, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है बहुत स्मॉल, हमने अजम्पशन लिया तीनों अजम्पशंस का यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सेकंड एंगल स्मॉलर, थर्ड एपर्चर स्मॉल, इसलिए एम आई पी आई हो गया, ओ एम ओ पी हो गया और एम सी पी सी हो गया, क्लियर है, ठीक। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, रेयरर से डेंसर में अगर मेरे पास रिफ्रैक्शन हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, तो ये तो हमें पता ही है स्नेल्स लॉ होता है म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब क्या है, अब ये साइन आई साइन आर है, ठीक है ना, अल्फा बीटा एंगल स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है, तो एंगल आई और आर भी बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना। एज एंगल आई एंड एंगल आर आर स्मॉल, सो म्यू वन साइन, सॉरी साइन आई की जगह क्या हो जाएगा आई, स्मॉल एंगल में करता है म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, ठीक, म्यू वन साइन आई साइन आर, आई एंगल स्मॉल है तो साइन आई वेरी नियरली इक्वल टू आई होगा और साइन आर वेरी नियरली इक्वल टू आर होगा, सो साइन आई इसको ऐसे भी लिख सकते ना, साइन आई वेरी नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर वेरी नियरली इक्वल टू आर, इतनी चीज समझ आ गई, ये आ गया मेरे पास इतना फाइंड आउट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, इतना सबको समझ आ गया, मुझे क्या करना है वैल्यू पुट करनी है किसकी आई और आर की, सो यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, आई और आर की वैल्यू मैंने यहां फाइंड आउट कर रखी है, पुट कर दूंगा इसके बाद बेटा मैं यहां कर रहा हूं इसको, ठीक है। म्यू वन इंटू आई, आई क्या है
अल्फा प्लस गामा एंड म्यू टू इंटू आर, वट इज माई आर, इसीलिए मैंने यहाँ आर फाइंड आउट किया था, समझ गए। गामा से तो हमने निकाला है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो आर इज गामा माइनस बीटा, क्लियर। अब वही अल्फा की वैल्यू पुट करो, इसलिए निकाली थी, अल्फा की वैल्यू क्या है एन एम बाय ओपी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, दिस एन एम बाय पीसी, वेरी इजी। ओके वैल्यू पुट करना है, म्यू टू इज व्हाट इज गामा, गामा इज एन एम बाय पीसी, एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज एन एम बाय पीआई। ओके अभी एन एम क्या है, यहां से भी मैं कॉमन ले लूंगा, यहां से भी एन एम तो कैंसिल हो जाएगा, चारों में ऊपर सेम है, सो म्यू वन एन एम को मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या होगा वन बाय ओ पी प्लस वन बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू एन एम वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी आई। इतना चीज समझ आ गया आपको, ठीक। ये एन एम से एन एम क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा दोनों साइड। अभी जो डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, पीसी पीसी वाले इनको एक साइड ले जाओ और ओपी पीआई वाले को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा म्यू वन बाय ओपी प्लस वहां से ले आओ म्यू टू बाय पीआई इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा म्यू टू और ये म्यू वन और दोनों के साथ डिवाइड में क्या है दिस इज पीसी, यहां भी एक पीसी है म्यू वन बाय पीसी, एक बार यहां म्यू टू बाय पीसी है, तो क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पीसी। इतना समझ आ गया, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, अल्फा सबसे पहले म्यू आई और आर की वैल्यू पुट करी, फिर इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करी, एन एम कॉमन था कैंसिल ले लिया, उसको रीशफल कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया म्यू वन बाय ओपी प्लस म्यू टू बाय पी आई इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय पीसी, ठीक। इतना समझ आ गया, क्लियर है ये सब, ठीक। यहां से मैं रब करता हूं इसको, ये पहला केस कर रहा हूं, यहां मैंने पहला केस लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर एंड इमेज इज इन डेंसर। ओके बस इतने सी पोर्शन चाहिए मेरे को। और अब यहां पर ओपी क्या है आप बताओ, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, व्हाट इज ओपी, व्हाट इज दिस ओपी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना यू, सो ओपी इज माइनस यू बाय माइनस यू, साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड पर माइनस है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है ना। ओपी इज माइनस यू, व्हाट इज पी आई, व्हाट इज पी आई, पी आई इज वी इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, व्हाट इज पी आई इज इमेज डिस्टेंस, और राइट साइड पे है तो पॉजिटिव वी, ठीक। और तीसरा क्या है पी सी, व्हाट इज पी सी, PC, PC is R and it is on the right hand side, so it is plus R, clear। बस बेटा यहाँ तक almost सब cases में derivation same है, बस यही sign convention से हमारा formula में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। म्यू वन बाई ओ पी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर आएगा क्या आएगा, कितना आया म्यू वन बाई माइनस यू, म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, समझ आया, म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको शफल करूंगा तो म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये म्यू और यू में कंफ्यूज मत होना, म्यू एंड यू, दिस यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेस पे ये मैंने रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है ना। अब बेटा इसको ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट ये सब दिया होगा, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग का, अगर जो फर्स्ट है मीडियम वो एयर है, ठीक है ना, अगर फर्स्ट मीडियम है एयर है, एयर है तो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा वन है, और सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ भी है, कोई भी मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर म्यू बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर,
ये फॉर्मूला हो जाएगा, कुछ नहीं किया, म्यू टू की जगह म्यू लिखा, कोई भी मीडियम है, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी, फर्स्ट एयर है तो वन है, सो इट इज इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इज म्यू माइनस वन बाई आर. सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, बिल्कुल इजी है. क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है सबसे पहले. पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एंगल है, अल्फा एंगल हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होगा, बीटा एंगल हमेशा इमेज के साथ होगा, और नॉर्मल के साथ हमेशा गामा एंगल होगा. ठीक है, जहां जहां एंगल है वो ट्राइंगल लेना है, उसमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा. और हमारे एंगल स्मॉल है तो टैन अल्फा अल्फा के इक्वल होगा, टैन बीटा बीटा के, और टैन गामा गामा के. सब डेरिवेशन में ऐसे ही करना है. उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर. सो म्यू वन आई म्यू टू आर, यहाँ आई और आर की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है, रीशफल करके साइन कन्वेंशन लगा के आंसर निकालना है. ठीक है, जरूर आती है डेरिवेशन. सो दिस इज माय रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रियर एंड इमेज फॉर्म इज रियल. जब इमेज रियल है, इमेज वर्चुअल कब होगी, जब यही बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाएगी हमारी. ठीक है, सो ये एक केस था कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का. ठीक है, मैं आपको बाकी सब केस में बताता हूं कि कैसे यहां पर इसका फॉर्मूला आएगा. नाउ दीज आर द फोर केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट. हमने फर्स्ट केस किया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रियर एयर एंड इमेज फॉर्म इज रियल, देन वी गॉट दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ सेकंड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रियर एयर एंड इमेज फॉर्म इज वर्चुअल. वर्चुअल कैसे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, ये नॉर्मल है. ठीक है, जब उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज कैसे दिखी, जैसे ही यहां बनी वर्चुअल इमेज, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज. ठीक है ना, सेम रेयरर से डेंसर है, ऑब्जेक्ट रेयरर में है, वही एंगल आई आर अल्फा बीटा गामा, गामा विद दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, अल्फा विद दिस ऑब्जेक्ट, बीटा विद दिस इमेज. तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी यही आता है जब आप डेरिवेशन करोगे सेम. सो जब ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर एंड इमेज इज इन रियल. जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और इमेज हमारे पास रियल में है. अब ये क्या है, दिस इज कॉनकेव टुवर्ड्स डेंसर बोल सकते हो, या उधर से कोई देखे तो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर. तो ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर में है. ठीक है ना, ये ग्लास है और उधर एयर. ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, डेंसर में है. ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल सी से, तो नॉर्मल गामा एंगल बना रही है, ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रहा है. तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर, और यहाँ कुछ इमेज रियल इमेज बना रहा है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर बट इमेज इज रियल, सेम रियल इमेज बना रहा है, ये बीटा बनाएगा इमेज के साथ, एंगल इंसिडेंट रिफ्रैक्शन सेम डेरिवेशन करना है, वैसे ही डेरिवेशन है. ठीक, उसमें चेंज क्या होगा, अगर आपको याद करने के लिए बताऊं क्या ट्रिक है. आप जब ये क्या है, रेयरर से ऑब्जेक्ट रेयरर में था, अब ऑब्जेक्ट डेंसर में है. ठीक है, डेंसर में म्यू टू में, इमेज रेयरर में. तो पहले यहाँ क्या था, म्यू वन म्यू टू था, अब क्या हो गया, म्यू टू म्यू वन हो गया ना. तो बस आपको म्यू टू और म्यू वन इंटरचेंज करना है, फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास. ठीक, तो यहाँ क्या होगा, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इक्वल टू, या म्यू टू माइनस म्यू वन है तो म्यू टू की जगह म्यू वन की जगह म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर. ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, इमेज रियल है, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल हुई, ये ऑब्जेक्ट गया रिफ्रैक्ट हो गया, जब उसको पीछे प्रोड्यूस किया तो ऐसे लगा कि इमेज यहाँ बन रही है. ठीक है, ये रियरर में था ऑब्जेक्ट, यहाँ डेंसर में है, बट इमेज दोनों में वर्चुअल है. ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास कर रहा है, गामा एंगल बना रहा है. ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा एंगल बना रहा है. इमेज है जो बीटा एंगल बना रही है, सेम बिल्कुल. बट क्या है, ऑब्जेक्ट डेंसर में, ये म्यू टू है ऑब्जेक्ट, और इमेज इमेज भी वर्चुअल बन रही है, तो डेंसर से रियर है, तो क्या करना है, म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज कर देना, सेम फॉर्मूला एज दिस. तो आपके पास कुल मिला के इन चार केसेस में दो फॉर्मूला है. कौन से दो फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में है, ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, फॉर्मूला ये है सेम. ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट रेयरर सॉरी डेंसर में है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो इमेज रियल बने या वर्चुअल बने. ठीक है ना, वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल, इमेज बने या रियल बने या वर्चुअल बने,
फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। फर्क क्या है, म्यू वन म्यू टू चेंज करना है, फॉर्मूला सेम है। सो दीज आर द फोर केसेस फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जब स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर म्यू वन की तरफ, ठीक है। और जो फर्स्ट हमने करा था, फर्स्ट कौन सा करा था, ऐसे किया था हमने, सॉरी ऑपोजिट साइड में किया था, ठीक है ना, यू करके किया था, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, ठीक। तो ये चार केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ठीक। सॉरी मिरर बोल रहा हूं मैं बार बार, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऐसे ही कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो आइए उसके देख लेते हैं, उसके दो केस कौन से हैं, उसके दो ही केस बनते हैं और उन दो केस में क्या फॉर्मूला यूज होता है। नाउ वी विल सी दिस रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जब भी बेटा मैं बोल रहा हूँ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पहले, तो उसका मतलब कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयरर, ठीक है। जब बोल रहा हूँ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, दैट मीन्स कॉनकेव टुवर्ड्स रेयरर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉनकेव टुवर्ड्स रेयरर, दैट इज कॉनकेव टुवर्ड्स रेयरर, ठीक है ना। सो दीज टू आर द केसेस फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक। दो केस कौन से, फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट कैसा है रेयरर मीडियम में, और सेकेंड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ठीक है। दो केस ही है इसके, जब एक बार ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है और एक बार ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ओके। इमेज दोनों केस में ही वर्चुअल बनती है इसमें, ठीक। अब ऑब्जेक्ट सेम चीज है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, लाइट रे गई, ये नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो ये क्या गामा एंगल बनाएगा, ये अल्फा एंगल बनाएगा। नॉर्मल, इसको नॉर्मल से क्या जाएगी, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसके टुवर्ड्स, और इसको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी जो कि बीटा एंगल बनाएगा, वर्चुअल इमेज है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट के साथ, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस इमेज के नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर एंड इमेज इज इन डेंसर, जैसे वहां पर था, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में था तो क्या फॉर्मूला था, ये था ना म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये यू है, सबको पता है, ये मेरे पास क्या है, ये यू है, ये वी है, और व्हाट इज दिस, दिस इज आर, दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज आर, ये फॉर्मूला आ गया सेम जैसे कॉन्वेक्स में था, जब ऑब्जेक्ट कहां था रेयरर में, इमेज कैसी भी बन रही थी रियल या वर्चुअल, ये फॉर्मूला आ था। और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, जब ऑब्जेक्ट डेंसर, सो डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस नॉर्मल इज मेकिंग एंगल गामा विद दिस सी, ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अल्फा एंगल इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी बीटा एंगल, सबको पता है, ठीक है। दिस इज माई आर, ये मेरा आर है, दिस इज वी इमेज डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक। जब ऑब्जेक्ट डेंसर में, वहां कैसा आ रहा फॉर्मूला, म्यू वन म्यू टू चेंज हो रहे थे, यहां भी म्यू वन म्यू टू चेंज हो जाएंगे, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, ठीक। सो बेसिकली कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके सिक्स फॉर्मूलाज हैं, सॉरी सिक्स केसेस हैं, ठीक है, फोर कॉन्वेक्स के और टू कॉनकेव के, ठीक। बट हमारे पास टोटल में दो ही फॉर्मूला हैं, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ मीडियम रेयरर डेंसर, एयर वाटर वाटर एयर, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे को दिया होगा कि ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे, तो कुछ भी जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज कितनी दूर बनी, जो ऑब्जेक्ट सपोज 10 सेंटीमीटर पे पड़ा है या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितनी दूर बनी उसकी बात कर सकते हैं, वैसा न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सिक्स केसेस है बेटा, आपको एक केस कराया है, आप अपनी होमवर्क कॉपी में ये केसेस को करके देखो, बहुत ईजी केस है, सब समझ आ जाएंगे, एक जैसा ही स्टेप है सबका, ठीक है। एजम्पशंस याद रखनी है, तीन एजम्पशंस, कि पहला ऑब्जेक्ट और इमेज जो है कैसे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और
वो स्मॉल एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, स्मॉल एंगल बना रहा है, और जो इसका एपर्चर है, ये अपर्चर कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो ये एम सी है, हम इसको सिंगल पॉइंट ले लेते हैं, सॉरी मैंने यहाँ सी लिख दिया, दिस इज एम पी, जो एम पी है इसको पोल, और ये जो नॉर्मल डाला मैंने ये क्या है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. डू दिस असाइनमेंट इन योर कॉपी, इट विल बी अ फन फॉर यू, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू.